नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं VMOU PTET यानी प्री बी एड 2020 का जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन यानी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है उसके 30 क्वेश्चन है वो ऑथेंटिकेट आंसर की जो कि ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 61 से लेकर 90 तक यहाँ पर 30 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देख लीजिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ पर विकास एक असतत प्रक्रिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि में शामिल नहीं है? तो भावनात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करें तो उसमें रचना है वो सम्मिलित नहीं है, इसमें समाज प्रबंधन और प्रत्यक्षीकरण समाहित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए त्रिशाखीय बुद्धिमता सिद्धांत का एक अवयव है वो नहीं है, उसमें कौन सी चीज़ है वो इंक्लूडेड नहीं है? तो यहाँ पर अंतर्व्यक्तिक बुद्धि सी नहीं है, जबकि रचनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि और प्रायोगिक बुद्धि ये इसमें सम्मिलित है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, उपयोग का नियम एवं अनुप्रयोग का नियम भाग है, तो ये अभ्यास के नियम है उसी के भाग है, तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। जो प्रश्न है, एक बच्चे को यह डर है कि यदि वह दिए गए कार्य को पूरा नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। लेविन के अनुसार यह परिस्थिति है, तो यहाँ जो परिस्थिति लागू होती है वह दो नकारात्मक संयोजकता इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, दो वर्ष का बच्चा बस, ट्रेन, ट्रक आदि सभी प्रकार के जो व्हीकल है उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करता है, वह है कार। तो निम्नलिखित में से किस त्रुटि का वह प्रदर्शन कर रहा है? तो वह उसका विभेदन नहीं कर रहा है, यानी उसकी विभेदन क्षमता है उसमें कमी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण डिवाइस होता है, यानी जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो एक डिवाइस है? तो नॉम चॉम्स्की है, उन्होंने ऐसा कहा। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक बुद्धिमत्ता की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो डी ऑप्शन स्टर्नबर्ग इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसमें कौन सा प्रकार है वो सम्मिलित नहीं है? तो इन्होंने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया थे उसमें लगभग 8 जो तत्व है वो बुद्धिमता है वो सम्मिलित थी, तो उसमें रचनात्मक बुद्धिमता है वो सम्मिलित नहीं है, संगीतीय भाषाई बुद्धिमता और प्राकृतिक बुद्धिमता सम्मिलित है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अन्य सभी बुद्धिमता है वो आप उनको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। अगला जो प्रश्न है, मंच या ढांचा निर्माण की संकल्पना है, तो बी ऑप्शन ले वाइगोस्की के सिद्धांत से। अगला प्रश्न, एक रबरिक का तात्पर्य है, तो एक रबरिक एक प्रिक्शन के मूल्यांकन का मापदंड है। यहाँ पर जितने आंसर बताए हैं वे ऑथेंटिकेट यानी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए गए हैं, तो किसी प्रकार की कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, एक विद्यार्थी कठिन परिश्रम करता है ताकि उसे अच्छा ग्रेड मिले, विद्यार्थी के अध्ययन के पीछे की प्रेरणा क्या है? तो वह बाह्य अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित है। बी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो इनिशियली जो रेनफोर्समेंट है वो एक बिस्किट हो सकता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वह अनुकरण के द्वारा अधिगम, तो उन्होंने बोबडोल का जो प्रयोग किया था उसके संदर्भ में देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस में नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया? बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे कि वाइगोस्की का ही है, वाइगोस्की इससे रिलेटेड है, लेकिन जो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की में पियाजे को ही इसका सही है वो आंसर माना है। अगला जो प्रश्न है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है वो लगभग 11 वर्ष के जो ऊपर की आयु के जो बच्चे हुए वो उसी में इंक्लूडेड है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। पियाजे ने जो बालक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्था बताई है वो बिल्कुल याद करके जाइए, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, तार्किक सक्रिय प्रतिक्रिया है विकसित होती है, तो पहला ऑप्शन स्वेदी गामक अवस्था के दौरान आंसर रहेगा, वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, एक बालक की उसकी माता के प्रति आकर्षण की जो ग्रंथि है उसे फ्रॉइड ने क्या कहा? तो इसने जो फ्रॉइड ने कहा है बी ऑप्शन ओडिपस कहा है, और एक बालक का पिता के प्रति आकर्षण की जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि को फ्रॉइड ने क्या कहा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला जो प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्य को बिना किसी की सहायता से यानी एकदम स्वतंत्रतापूर्ण कर सकता है तो उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है, तो वास्तविक विकासात्मक स्तर यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न, ब्रॉन फेन ब्रेनर
कि जे पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार नियम कानून आदि उदाहरण है, तो यहां वृत्त तंत्र के सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? आप इसको मस्तिष्क में सोचिए और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर बी ऑप्शन संग्रहण इसका सही आंसर रहेगा। तो प्रश्न है श्रृंखलाबद्धता जो आधारित है, इसका जो सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, यानी ऑपरेंट कंडीशन है, इसके प्रिंसिपल पर ये बेस्ट है। अगला जो प्रश्न है, काल्पनिक दर्शक यानी जो श्रोता है यह किससे संबंधित है? बी ऑप्शन किशोरावस्था से। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अनुसार यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रॉइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था है? तो यहाँ सी ऑप्शन गुप्त अवस्था। मनोलैंगिक विकास की जो फ्रॉइड ने कुछ अवस्थाएं बताई है, उन अवस्था को आप बिल्कुल याद करके जाना, और यहाँ पर उसमें से जो एक अवस्था है वह है गुप्त अवस्था। सी ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना है वो किसने दी थी? तो इसका सही आंसर रहेगा गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक को द्वारा। वैज्ञानिक थे जिन्होंने निकटता के सिद्धांत की संकल्पना दी थी। तो गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में चार प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं, व्लादिमीर कोहलर, कोपका और कुर्त लेविन। अगला जो प्रश्न है, बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो इसमें मॉडलिंग करता है बच्चा, तो यहाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। ये काफी सरल प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, किसी कार्य के दौरान विद्यार्थी को दिए गए सहयोग हेतु कौन सा पद है प्रयोग किया जाता है? तो प्रॉम्प्ट बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। पेपर का स्तर है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का था, यानी जो इसने नॉर्मल तैयार की है उसने 10 से 15 तक बड़ी मुश्किल से सही कर पाया। जिसने काफी अच्छी तैयारी की थी उसने बड़ी मुश्किल से 20 प्रश्न है वो इस पेपर में सॉल्व किए। तो यहाँ पर 89 जो 89 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग में की जाती है? तो टेलर जो फ्रेम है ये इससे संबंधित है, यही इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है वाइगोस्की और पियाजे और उनके संबंध में जो कोटेशन दे रखा है उसको चेक करना है। तो यहाँ जो सही आंसर रहेगा, वाइगोस्की एवं पियाजे दोनों मानते थे कि विकास समाज प्रेरित प्रक्रिया है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इस वीडियो में हमने साइकोलॉजी यानी शिक्षण अभिसमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन विद ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपके ये प्रश्न काफी ज्यादा बेनिफिशियल यानी मददगार सिद्ध होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।